कौन सूरत ले आवई, कौन सूरत ले जाओ सुरती को, इस सुरती को, इस ध्यान को संसार में कौन सी चीज है जो खींच कर लाती है। तो सदगुरु से पूछते हैं, हे प्रभु मुझे बताओ कि कौन सी चीज है जो सुरती को बंधन में डालती है, कौन सूरत ले आवई, कौन सूरत ले जाओ। फिर अपने आप ही गुरु की वाणी से सुनकर भीतर से फिर जवाब देते हैं, कहते बास सूरत ले आवई, बास सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जाओ। बास मतलब वास, वासना, इच्छा, डिजायर। तो डिजायर हमें इस धरती पर खींच कर लाती हैं। लोग कहते क्यों आए हम यहाँ पर, ना आते तो पर किसने कहा था यहाँ पर चले आने के लिए, क्यों आए हो, बात तो सही है, नहीं आना चाहिए था। तो सारे बंधन मुक्त करो, ना मांगो, संसार की इच्छाएं ना पैदा करो। अभी एक एक पानीपुरी देखते हैं तो तुम्हारी लार टपकने लगती है, और तुम बात करते हो कि यहां से मुक्त कैसे हो जाए, हम तो यहाँ पर नहीं आना चाहते। नहीं आओ, हमने कौन सा बुलाया, किसी ने बुलाया आपको यहाँ पर। बास सूरत ले आवई, बास सूरत ले आवई, इच्छाएं लेकर आती है, डिजायर। कोई हो, कोई पत्नी हो, कोई पति हो, कोई बच्चे हो, कोई फैलाव हो, अकेले लोगों का दिल नहीं लगता, शादी करवाने के लिए छटपटाते हैं लोग, चाहिए कुछ, चाहिए कुछ, चाहिए, वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, थोड़ी थोड़ी, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए, कहाँ कहाँ ठिकाना है, परमात्मा को हमने कहाँ जगह दी है। वासनाएं हैं भर भर के, इतनी है कि बेहिसाब है। तो जरा जरा आसान नहीं है मामला, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। तो वासनाएं जो है बार बार खींच कर लेकर आती हैं। जो लोग, जिनके मन में इच्छाएं हैं, जरा उनसे पूछ के देखो, एक फुरना खत्म होता नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा चालू हो जाता है। अष्टावक्र यही तो फरमा रहे कि भाई कुछ थोड़ा सोचोगे कि नहीं सोचोगे, मुक्त चाहिए ना, तब तक बंधन है जब तक मन इच्छा करता है, शौक करता है, मिला क्यों नहीं, कुछ ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है, अटका हुआ है। अष्टावक्र जी फरमा रहे हैं जरा ध्यान से, तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति, मांगता है, शोक करता है। देखना अपने मन के अंदर बंधन, देखना कहाँ कहाँ पर अटके हुए हैं। अब आप पूछेंगे क्या अपने संसार के फर्ज निभाना भी बंधन है, बिल्कुल नहीं। क्या वो चीज आपके सपनों में आती है, अगर कोई चीज आपके अंदर अटक जाती है कि आप जिसको याद करते 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 सोचते ही रह जाएं, परेशानी होते रहें, दुखी ही होते रहें, तो बंधन है। अगर आप रात को सो के बस प्यार से शांत होकर ऐसे सो जाएं कि जैसे कभी जिए ही नहीं थे, जैसे कभी कोई मुसीबत थी नहीं, कोई बात थी नहीं, एक ज्ञानी जब सोता है, एक साधक जब सोता है, एक योगी जब सोता है, तो ऐसे सोचता है कि सोता है कि बस जैसे संसार को खत्म ही हो गया, संसार मृत्यु बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा ध्यान से और फरमाते हैं, और बड़ी बात समझते हैं, तदा मुक्ति यदा चित्तम न वांछति न शोचति, फिर पूरी बात क्लियर करते हैं अपनी, आधी बात पहले कह दी, आधी फिर कह रहे हैं, तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता, डिजायर से मुक्त हो जाता है, वासनाएं नहीं जागती है उसके अंदर, मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। अब ये तृप्त नहीं है, चार पांच की पांच इंद्रियां जो हैं कि बाहर कुछ मांगती हैं, मांगती हैं। आंखें क्या मांगती हैं, आंखें मांगती हैं कुछ अच्छा अच्छा दिखे, कोई अपना सा दिखे, कोई प्यार करने वाला हो, लोग मांग करते हैं परमात्मा से, ऐसे भर भर के परेशान होते हैं कि पूछो मत, संसार में कोई मेरा अपना नहीं है भाई, कोई मेरा अपना कहां से। तो लोगों की मांग है, भारी भरकम मांग है, मांगते हैं। तो आंखें मांगती हैं कुछ अच्छा दिखे, विषय दिखे, विषय दिखे। इसी तरह कान मांगते हैं कुछ अच्छा सुनने को मिले, पता नहीं किस किस चीज की वासनाएं लेकर बैठा हुई आंखें, किस किस चीज की वासनाएं कानों में अटकी हुई हैं, क्या 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 डिजायर होती है। थोड़े से कपड़ों को देख के लोगों को देखो, मन में क्या क्या चीजें पैदा हो जाती हैं, किसी व्यक्ति को देखकर मन में क्या क्या चीजें पैदा हो जाती हैं, किस तरह के लोग हैं, कैसे कैसे भाव हैं लोगों के, क्या क्या इच्छाएं पैदा हो जाती हैं लोगों के अंदर, समझ में आ रहा है। कैसे अपने अंदर टटोल के देखें, आंखों की वासना शांत होगी कि नहीं हुई। बुद्ध कहा करते थे अपने साधकों को कि सड़क पे चलना ना, बस 1 फीट आगे देखना, जितने जितना तक तुम्हारा कदम जाता है, बस
बाकी ना इधर देखने की जरूरत नहीं। मेरे रहबर, मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे समझाया है सब कुछ, कहते थे आंखों पे जैसे घोड़ा, घोड़े की आंखों पे वो चश्मा नहीं, चमड़े का पट्टा बंधा होता है ऐसे, तांगे में जो जुटा होता है तांगे में, तो ऐसे पट्टा बंधा होता है ऐसे, वो इधर नहीं उधर नहीं देख सकता, ना देखे तो ज्यादा अच्छा, सीधे सीधे दौड़ता रहता है, पीछे थोड़ा सा चाबुक पड़ता रहता है या उसको बोलते रहते हैं तो चलता रहता है। अगर वो इधर उधर देखना शुरू कर देना, बड़ा मटकता है फिर, वो बड़ा मटकता है फिर, सीधे नहीं चलता वो, इधर उलेगा कि इधर, इसलिए पट्टा बांध दिया जाता है उसकी आंखों पे। अच्छा है, विवेकानंद अपनी उसमें पुस्तक में लिखते हैं कि आंखों को मैंने संयम में कर रखा है, मेरी आंखें ऐसी ही कुछ भी नहीं देखती, लेकिन हम तो सारा दिन मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या लोगों का पता ही नहीं चलता, कौन सा बटन दब जाए और सामने आपके क्या आके खड़ा हो जाए आपको पता भी नहीं चलता, कुछ भी ढूंढा आपने, कुछ भी हरी गरी चीज आ गई तो क्या, और मन की जो डिजायर होती है जहां होती है वो चीज आ ही जाती है कहीं ना कहीं, फिर कैसे उसे बाहर आए, पहले टटोलना पड़ेगा अपने भीतर, झांकना पड़ेगा। तो बात जो मैं कह रहा था, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसके बिठाने के लिए, परमात्मा के लिए जगह कहां बची है, नो वे। तो समझना जरा कहां से अटकाव हुआ है और कहां से मुक्ति होगी। यदा मुक्ति तदा मुक्ति, यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृण्यति न हर्षति न कुप्यति, इनमें से कुछ भी ना हो, त्याग नहीं प्रसन्न नहीं। अब पकड़ेगा तो छोड़ेगा भी सही। मैंने आज से मूवीज का त्याग कर दिया, मोबाइल का त्याग कर दिया, कर सकता है कोई, जरा करके देख लेना, एक दिन पता चल जाएगा। लोग करते हैं ना बड़ी बड़ी चीजों का त्याग करते, जरा किस दिन मोबाइल का भी त्याग करके देख लेना एक दिन। हम लाइव क्लास में ना लोगों को बोलते हैं मोबाइल जमा कराने को, हाय हाय लोग कैसे कैसे बहाने करते हैं मोबाइल ना देने के, कहीं छुपा के, कहीं ऐसे करकुरा के, नहीं 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 बस मोबाइल मत लो, ऐसे जैसे जान निकाल लियो किसी ने, प्राण निकाल लियो, मोबाइल ना लो जी मर जाएंगे, बड़ा ऐसे अटका हुआ है। पता नहीं रातों को सपनों में भी ढूंढते हैं, रात को भी आंख खुले ना खुलते, पड़ा है ना तो पड़ा है ना, वो बीमारी है कि नहीं है, अटका रखा है, बुरा अटका रखा है अपने आप को, इतना अटका रखा है कि बस ख्यालों में भी वही रात को मोबाइल, कहते मेरे को ना मोबाइल बड़ा घूमता है, कोई कह रहा था मेरे को किसी बात करते, कहते मोबाइल बड़ा घूम जाता है, मैंने कहा तेरे दिल में सारा दिन ख्याल जो मोबाइल का लगा रहता है बीमारी, मोबाइल थोड़ी घूमता है, ध्यान सपनों में ऐसा लगता है उसको कि मोबाइल घूम गया, पर जिस तरफ ख्याल होगा वो घूमेगा तो दुख तो होगा और कहाँ जाएगा मन, मन रात को सपनों में वही दिखाता है जो तुम दिन भर सोचते हो। जापान में एक कहावत फेमस थी, किसी व्यक्ति को मारना हो ना, किसी को मारना हो सबसे पहले उसका मोबाइल छीन लो, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेचारा आधा तो वैसे ही मर जाएगा, सारे कॉन्टेक्ट वंटेक्ट सब गए, मोबाइल कनेक्ट डिसकनेक्ट हो गया, और बड़े बड़े लोग सुसाइड करते हैं वहां पर, मतलब अच्छे खासे जिनके रिच लोग जो है बड़े सुसाइड करने का फैशन है वहां पर, और गलती से ये फैशन इंडिया में भी आ रहा है, दुख है। थोड़ी सी बात के ऊपर लोगों के इतनी सी भी वो टेम्पटेशन इतनी ज्यादा है कि जैसे ही वो चीज छूटती है ना भाग खड़े होते हैं एकदम से, जैसे पता नहीं जीवन ही खत्म हो गया, कोई ऐरा गहरा नथु खेरा जिसके साथ प्यार का वो लगा लिया, कोई बाबू सोना कोई मन में लटका लिया उसको बिठा लिया, अरे ये तो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े पास्ट लाइफ करवाने लोग आते हैं हमसे पूछते हैं, दो दो जगह आशकियां मार रहे हैं, शादी भी हो रखी है, और फिर कहते हैं कुछ ऐसा उपाय बता दो कि पति भी बना रहे और ये आशिक बिना छूटे, आप बिलीव करेंगे मेरी बातों पर, कभी दिखाए ना, मैं सीक्रेट है कि मैं किसी की कॉन्फिडेंशियल बातें रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हैरानी होती है लोगों को, ये चाहते क्या है भाई, चाहते क्या है ये, क्या जीवन से मांग रखते हैं ये, कौन सा पागलपन है ये, आफ्टर मैरिज जो है ना, कहीं शादी भी हो रखी है, बच्चे भी बड़े हैं, लोगों के सामने दिखाना भी नहीं चाहते, अब उसको दोनों चाहिए, और दोनों ये इसमें कोई स्त्रियां अलग नहीं और पुरुष अलग नहीं है, मेरे को कहीं से प्यार नहीं मिला, अच्छा ढूंढ लो प्यार, और ये मरने के बाद ना ऐसी भटक रहे होते हैं, प्यार नहीं मिला, प्यार ढूंढ रहा हूं मैं अपना, ढूंढ ले भाई, यही पड़ा होगा अगले दो चार पांच जन्मों में, जन्म तो दूर की बात है, मृत्यु के बाद यहीं से जाते ही नहीं है, विदाई नहीं होते, यही अटके हुए घूम रहे हैं मार्केट में, कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है, सोचिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना परमात्मा कहां पर है, किसे पूछ के देखो,
अपने आस पड़ोस में 100 लोगों पर दृष्टि डाल के देना, कोई एक है ऐसा रब का प्यारा जो परमात्मा को मांग दो? कोट लाखन में कोई है नहीं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में कोई एक आधा मिल जाए तो मिल जाए। वही रब के प्यारे लाखों में जो है ना, वो यहाँ परमात्मा ने बिठा रखे हैं। बात कुछ तो है, कुछ तो है। जरा अपने आप को शाबाशी ठोक लीजिए कि आप उनमें से हैं जिनको कहीं ना कहीं परमात्मा की साथ लगन लगी है, जो आपको कोई बात पसंद हो गई, आ गई है, कुछ तो समझ में आया ना। क्योंकि हमारे पास बैठोगे तो बातें तो वही करेंगे घूम फिर के। वो कहते हैं मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, तुम्हारी दौड़ परमात्मा तक, जहां बैठेंगे बात उसी की करेंगे, उसके सिवा कोई और बात आती ही नहीं दिमाग में। परमात्मा ने ऐसा कोई दिमाग के ऊपर जादू ठंडोना कर रखा है, वो समझ ही नहीं आता उसके बिना है कौन, सोचा ही नहीं, ना देखा ही नहीं। और रब के वही प्यारे लोग सामने बैठे हैं तो उनको भी लगता है, हम लगता है कि हम दुनिया से कुछ अलग हैं, हम भीड़ का हिस्सा तो नहीं है, हैं कि नहीं है, लगता है ना? मतलब हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम कुछ तो गड़बड़ हैं, हमारे अंदर कुछ तो चेंज है जो दुनिया से अलग है। तो हमारी मांग दुनिया से कुछ अलग है, आंखें वो नहीं देखती जो फैत की बातें नहीं देखती, कान भी अब कुछ और सुनना नहीं चाहते। उन लोगों के कान देखो क्या क्या सुनना चाहते हैं, पूछ के देखो कि वासनाएं कैसी हैं, उनकी डिजायर्स कैसी हैं, क्या क्या सुनना चाहते हैं वो लोग। उनकी नाकों में परफ्यूम्स देखो क्या क्या स्मेल करना चाहते हैं लोग, अलग अलग टाइप की, वो पूरी बोतल ही अपने पर लपेड़ लाते हैं, कभी किसी पार्टी शार्टी में कभी गलती से किसी का पता लग रहा है, ऐसे सड़क से निकलेंगे तो पूरी मैक्सी छोड़ते हुए निकलेंगे। कभी अपनी फ्रेग्रेंस समय, कभी देखो अपनी अपनी जो अपने अंदर की जो गंदगी है ना, बदबू है, उसको उसको दुनिया को ना समझ में आ जाए वो, इसलिए उसको छुपाने के लिए ऊपर सेंटे छिड़कते हैं लोग। और क्या होता है, होना तो ये है, मेरी इच्छा नहीं कि मैं इत्र से महकाऊं अपने शरीर को, मेरी इच्छा नहीं कि मैं इत्र से महकाऊं, होना तो ये चाहिए कि खुशबू मेरे किरदार से आए, होना तो ये चाहिए कि खुशबू मेरे किरदार से आए, मेरे व्यक्तित्व से आए। व्यक्तित्व में तो सड़ांध भरी पड़ी है, व्यक्तित्व में सड़ांध है, और मांगते हैं ऊपर से सेंटे मार मार के अपने आप को दिखाते हैं, पूरी की पूरी डीओ की बोतल ही चित्तेपेट लपेट लेते हैं एक बारी में। हमारी गलती से कोई एक बार गिफ्ट दे गया था, 3 साल हो गए हैं, 3 साल पहले, वो 3 साल पहले कोई दे गया था, अभी रिसेंटली उस दिन डोंडी एक्सपायर हो गई थी, फेंक थी, तो देखा भी नहीं एक बार कि हुई भी होती भी क्या है, कोई दे दिया। मैंने कहा भाई आगे से हाथ जोड़ दिए, वो किसी पेपर में लपेट रखी थी, ध्यान नहीं रही, तो देखा तो एक्सपायर पड़ी हुई, आगे फेंक दी, और क्या करें, लेना नहीं कोई देना नहीं, जिन बातों से क्या करें, जिस रास्ते जाना नहीं उसकी तरफ देखना भी क्या। तो सबके अपने अपने भाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे साथ आपकी फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच की है तो कुछ तो होगा जो हमारे में कॉमन है, राइट? तो ये जो ना तो आंखों से कुछ देखने की इच्छा, ना कानों से व्यर्थ कुछ देखने की सुनने की इच्छा नहीं, नाक से कुछ सूंघने की इच्छा नहीं, स्किन से कुछ फील करने की इच्छा नहीं, स्किन से फील करने की इच्छा नहीं, ये सब सेंसेस हैं। और जीभ, ये सबसे खतरनाक चीज, इच्छाएं अटकी हुई है यहाँ पर, वासनाएं अटकी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या चटपटे और तीखे और मीठे और खट्टे और पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मिल जाए आपको लगता ही होगा ठीक है, चलो कुछ थोड़ी बहुत कभी कह भी दिया कि हाँ ये थोड़ा नमकीन खा लेती या कुछ, लेकिन कुछ इच्छा नहीं है। चलो आपने कहा तो चलो हो गया, ठीक है एक बात, कोई बंधन नहीं है वो। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। तो वो रास्ता जो है वो है, वो है चित्त को खींच लिया, जान लिया, समझ लिया। अब मन में एक होश बना रहता है कि व्यर्थ में मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ना कुछ देखूंगा, ना कुछ चाहूंगा। फिर आगे समझाते हैं, तदा बंदो यदा चित्तम संतम काश्यपि दृष्टिपि। जब मन किसी दृश्यमान वस्तु में आसक्त होता है तो बंधन है, याद रखना। तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है, तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। एक तो ये तरीका है, देखो अब ये ज्ञानी का और भक्त के मार्ग में थोड़ा सा फर्क है। ज्ञानी कहता है कि मैं संसार से तोड़ लूं, जो व्यर्थ की चीजें उनसे तोड़ लूं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। भक्त कहता है कि मैं यही जो जो मैंने संसार से तोड़ी, इसको मैं परमात्मा से जोड़ लूं,
एक जोड़ का रास्ता है, एक तोड़ का रास्ता है, बुरा नहीं है दोनों। आखिर एक जगह तोड़ोगे तो तुम इसी जगह जोड़ोगे। इसको ज्ञान कह दिया, इसको भक्ति कह दिया। तो मेरे गुरुदेव ने जो मुझे रास्ता बताया है का ज्ञान भक्ति का रास्ता, दोनों का मिक्सचर बना दिया। क्या गड़बड़ है इसमें? कुछ भी नहीं। लोग कहते ऐसे कैसे हो सकता है ज्ञानी भक्त, ये कौन सी बात होती है? हमारे यहां तो होती है, मार्केट में नया नया कंसेप्ट आया ज्ञानी भक्त। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया ज्ञानी भक्त बनो। ज्ञानी भक्त मतलब ज्ञान इतना कि व्यर्थ की चीजों में अटको मत। बड़े बड़े भक्त भी अटक जाते हैं, भक्तों को समझ नहीं तो अटक जाते हैं, हमने देखा है लोगों को। वैसे बड़ी भक्ति करेंगे, बड़ा अपना कीर्तन वीर्तन उनमें, और जब खाने की बारी है तब पता चलता है कितनी भक्ति हो रही थी। तब जो लपेटते हैं, जो जंप लगाते हैं ना खाने पीने के ऊपर, जो 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 उनकी हरकतें होती हैं, तब पता चलता है कि कौन कितनी भक्ति कर रहा था, कौन किस किस में अटका हुआ है। उनको अचार भी चाहिए, उनको पापड़ भी चाहिए खाने में, वो पानी पूरी तो रहेगी, ओहो हो, अरे पनीर टिक्का तो खाया नहीं, वो सब वहां पे सारी चीजें याद आ जाती हैं। भावना आसान नहीं है। तो जरा याद रखिएगा, ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी अपने आप को समेट लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कछुआ अपने पैरों को समेट लेता है। जब उसके ऊपर कोई आघात करो ना, कछुआ तुरंत अपने आप को समेट के छोटा सा हो जाता है, और तब तक देखता रहता है जब तक कोई खतरा है ना, तब तक अपने पैरों को बाहर नहीं करता। कमाल की चीज है। अब ज्ञानी व्यक्ति जो है इसी प्रकार अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, उसकी आंखें व्यर्थ कुछ भी नहीं देखें, उसका मुंह व्यर्थ की चीजें कोई डिजायर ना करे। फिर एक ही चीज की, पर यहां से तोड़ता है वो कहीं तो जोड़ेगा, कहीं तो जोड़ेगा, फिर वो परमात्मा का रस स्वाद करता है। जीभ को उल्टा कर लेगा, आंखों को बंद कर लेगा। अब वो क्या करेगा? आंखों को, आंखों से विषय बन रहे थे ना, वासनाएं बन रही थी, डिजायर पैदा हो रही थी, अब वो वहां नहीं देखता, वो भीतर देखता है। बड़ा मजेदार रास्ता है, बाहर नहीं देखता, अब वो भीतर देखता है। वो दूसरों के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्टेड है ना? जरूरी। पहले ये था क्या, अब सलमान खान की शादी क्यों नहीं हुई? लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है इसके ऊपर, पूरे हैशटैग चलते हैं, ऐसे नालायक हैं लोग, ऐसे बंगड़ू हैं, समझ नहीं आता करते क्या है, सारा दिन बकवास। देखो ऐसे उल्टे सीधे वीडियोस के लिंक लाइक देखा करो, और यहाँ हम इतने लॉजिकल वीडियो बनाते हैं, इतने ज्ञान ध्यान की समझ से वीडियो बनाते हैं। मजाल है कोई किसी नालायक को समझ में आ जाए कि भाई ये जी भी वीडियो देख लो। अच्छे अच्छे वीडियो हमारे कभी कभी इतने मेहनत की होती है, वो खुद देखता ही नहीं है। जब तक उनमें कोई ऐसे फ्लैशी से कंटेंट ना डालो, लोगों को समझ नहीं आता। अब यही कोई यहाँ पर कोई सलमान खान का शो चल रहा होता तो यहाँ पे भीड़ जुटी होती। यहाँ पर देखो 450 लोग यहाँ पर हैं, 460 लोग और कुछ 350 लोग वहां बैठे हुए हैं। समझ नहीं आता लोगों को ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। अभी मैंने कहा होता ना, ये करने से अभी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखो भीड़ लगती है यहाँ पर भी, ये करने से वो इच्छा पूरी हो जाएगी, फलाना करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, झाड़ू को ऐसे नहीं रखो वैसे रखो, ये नहीं खाओ वो खाओ, फलाना ना करो ढिमका करो। तो बड़ा पसंद आता है लोगों को ये सब, नौटंकी पसंद आती है। सीधी सीधी ज्ञान की बात, आत्मा की मुक्ति की बात, कौन चाहते हैं मुक्ति? गुरुदेव एकदम मुझसे शिकायत कर रहे थे, मैंने कहा हे प्रभु, प्रार्थना करी मैंने, हे प्रभु भव सागर से हमें उबारो, सबका कल्याण करो। गुरु महाराज कहते ये आंख देने, गुरु महाराज जी मुझे ये आंख दे, कोई मंगता है? कोई मंगता है मुक्ति? मंग तू ही कहना फिर दे, मतलब मेरे को कहा उन्हें कि तू ही कह रहा है उनके भ्याप पर कि हे प्रभु इन्हें मुक्त कर दो, वो तो नहीं कह रहे, उनके मुंह से कलवा दे एक बार। कोई कहता है क्या? कोई कहता भी नहीं भक्तों पार कर दे, ये कहते भी नहीं है। आप बताओ आप में से कितने बोलते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन मुक्ति? किसको चाहिए? हैं जी, कोई है कोई इंटरेस्ट कोई दुनिया में लेना देना है? भाई यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ तो मांग रही होगी, आप में से तो जरूर रही होगी। मैं नमस्कार करता हूँ आपके भावों को, नमस्कार करता हूँ आपके मन में जो संकल्प ही पैदा हुआ। चलो आए तो सही, किसी बहाने से आए, चाहे मेरे साथ आपका पिछले जन्मों का लिंक था इसलिए आए, आए तो सही। अब आए हैं अमृत के कुंड पे आए हैं, तो देखो हम भी दरिया हैं अपने, हमें अपना हुनर मालूम है, कहीं ना कहीं से तो दिल में रास्ता बना ही डालेंगे ना, राइट? तो अपने अंदर खोजना है, ढूंढना है, कनेक्ट करना सीखना है, और जिसको बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र। मैं कोई गुरु नहीं हूं आपका, मैं सिर्फ टीच कर रहा हूं, समझा रहा हूं। कल्याण मित्र,
कल्याण मित्र, बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र खोजो, जो आपके कल्याण में इंटरेस्टेड हो, जिसके पास बैठकर परमात्मा की याद आए, जिन डिठिया मन रहस्य किव पाए तिने संग जियो, जिनके पास बैठने से मुझे परमात्मा की याद आए, ऐसे लोग ऐसे मित्र कहाँ मिले, जरा ढूंढ लेना। परमात्मा की दया है तभी तो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं सेशन, चलो ऐसे नहीं तो वैसे सही, चलो ढूंढ लेना। अब नहीं समझ आया तो बाद में समझ आ जाएगा, देख लेना वीडियो, क्या फर्क पड़ता है, आ ही जाएगा ना, दया है ना परमात्मा की, किसी ना किसी तरीके से सही। ऐसे कैसे लोगों का साथ कैसे मिले, और अगर सदगुरु ही मिल जाए साथ में तो फिर कहना ही क्या, फिर कहना ही क्या, फिर तो बात ही बन जाए। फिर तो कहते जब उन्होंने कहा ना बास सूरत ले आवई और बास सूरत ले जावे, शब्द सूरत ले जाए, वासनाएं सुरती को लेकर खींच कर संसार में लाती हैं, तो फिर वापसी का रास्ता क्या है, वापसी का रास्ता है शब्द, गुरु का शब्द, गुरु की कृपा। गुरु क्या करते हैं, गुरु कहते हैं बाहर से ध्यान तोड़ो और भीतर की तरफ जोड़ो। बड़ा सुंदर है, इन आंखों को व्यर्थ ही कुछ देखने के लिए मत कहो, इनको बोलो भीतर देखें। तो वो क्या करता है, वो खुद को देखता है, वो खुद को देखने का मतलब है संसार को देख रहा है, लेकिन वो अवेयर है कि मेरी आंखें कुछ व्यर्थ तो नहीं देख रही। क्या आपकी आंखें अवेयर हैं, अंदर आता है ना कोई भी चीज अगर आंखों के आगे उल्टी सीधी आ ही जाए तो मन कहता है अरे छोड़ यार, हिट हटाओ हटाओ इसको, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, अब इच्छा कहीं और है, अब अंदर जागृत हो, कोई हैरा गहरा ऐसे नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार आपको बुद्ध की भाषा भी बता दूं जरा, भगवान बुद्ध क्या फरमाते हैं, देखो भगवान बुद्ध कहते हैं अपमादो अमत पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता नीयंते ये पमत्ता तथा मत्ता। इनकी भाषा है पाली भाषा, इनका अपना तरीका, प्रमाद न करना, प्रमाद न करना, प्रमाद मतलब चीजों में लिप्त हो जाना, प्रमाद हो गया, प्रमाद उसमें घुस गए पूरा। प्रमाद न करना अमृत या निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। जो व्यक्ति जो सामने डिजायर्स आए उनके पीछे पागल हो जाए प्रमाद हो गया, वो प्रमादी हो गया। तो कह रहे हैं कि प्रमाद मृत्यु का पद है, प्रमाद करने वाले प्रमाद न करने वाले, प्रमाद न करने वाले कभी मरते नहीं और प्रमादी तो मरे हुए ही हैं। बड़ी बात बड़ी गहरी है, जरा ध्यान रखना, कहा तो पाली भाषा में अपनी, इसी तरह से और कहने का ढंग ढंग देखो। एतम विशेषत्व अथवा अपमादि में पंडिता अपमादे अमोदंती अरियाणम गोचरे रता, तरीका है उनके कहने का, ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से ज्ञान कर आर्यों की गोचर भूमि में भ्रमण करते हुए अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। तरीका है, कहने का ढंग है कि ज्ञानी जो है वो क्या करता है, अप्रमाद, वो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, वो कहता है कि कुछ भी ऐसा ऐरा गहरा मैं नहीं देखने दूंगा, कुछ भी ऐरा गहरा नहीं खाऊंगा, कुछ भी ऐरा गहरा नहीं सुनूंगा, कुछ भी ऐरे गहरे विचार नहीं आने दूंगा, मैं कंट्रोल करने वाला हूं, आई एम द मास्टर, आई एम द मास्टर। ज्ञानी की भाषा है ये, सुंदर है, ज्ञान बुरा नहीं है, बहुत सुंदर है। ज्ञान के रास्ते पर चलने से इंसान, ज्ञान से शुरू होते हैं फिर भक्ति का रास्ता। अब भक्ति की जरूरत कहाँ पे आ पड़ी, बिल्कुल आएगी भक्ति की जरूरत। अगला स्टेप है कि मन को वहां से हटा तो लिया, लेकिन आप में से हर एक तरह का जो हर एक व्यक्ति का जो चित्त है ना, दो तरह का चित्त होता है, एक जो वैरागी चित्त होता है, वैरागी, एक अनुरागी चित्त होता है। दो तरह के चित्त हैं, मन की अवस्थाएं हैं। वैरागी, मेरा जो चित्त है वो वैरागी चित्त है, दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं दुनिया में। लेकिन अब कभी कभी मन के साथ एक वो आ जाता है, ऐसे तो मन सूखा हो जाएगा, रुख जाए, रूठा हो, रूखा रूखा सा हो जाएगा, तो क्या करें, तो इसको यहां से तोड़ें और कहीं तो लगाएं। कहां लगाएं, वो लगाने वाली जगह कौन सी है, वो है सदगुरु। वो अपने गुरु, अपने इष्ट परमात्मा में लगाओ, देखो यहां से तोड़ो और वहां जोड़ो। इतनी बार सारे ज्ञान को बुल्ले शाह ने, कि गुरु ने दो लाइनों में समझा दिया। बुल्ले शाह अपने गुरु से मिलने के लिए गए और गुरुदेव से पूछा कि प्रभु कोई टिप दीजिए ना, परमात्मा कैसे मिले, प्यास थी मन में, प्यास थी मन में। उनके गुरु जो थे, उनके गुरु जो थे शाह इनायत, शाह इनायत गुरु थे, तो वो पौधे लगा रहे थे। तो जैसे प्योद होती है, प्योद मतलब छोटे से पौधे एक एक जगह पर लगे, तो वहां से उसे उठाकर पहले इकट्ठे बीज डाल देते हैं, बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, उसमें से एक एक बोझ को अलग करके उनको डिस्टेंस पे लगाया जाता है। आपको पता होगा खेती में बेसिक सा रूल है ये। तो
तो वो पौधा लगा रहे थे। कहते बोले आ रब दा की पावना, परमात्मा का क्या पाना, इधर पुटना ते इधर लावना। बोले आ रब दा की पावना, इधर पुटना ते इधर लावना, यहां से हटाना और यहां लगाना, इतनी छोटी सी बात, परमात्मा का पाना क्या बड़ी बात है। अब ये इतनी महान बात को समझाने के उनके गुरु को एक 10 सेकंड भी नहीं लगे। इस बात को समझाने में इतने सारे ज्ञान ध्यान की बातें समझानी पड़ी। बात तो वही कही उन्होंने भी, इधर पुटना थे इधर लावना। तो ध्यान को ऐसे समझ लो, वैसे समझ लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। छोटी में छोटी बात में समझ आए या बड़ी में समझ आए, ये आपकी मर्जी। देखो कौन सी चीज ने बंधन डाले और कौन सी चीज ने मुक्ति करिया। तो मुक्ति का रास्ता है अप्रमाद का रास्ता। जागो, होश में रहो, अपने कर्मों के प्रति होश, सबसे पहले शरीर के प्रति होश, जागो। व्यर्थ तो नहीं सोचता रहता मन इस बकवास को। मन में एक बात, जैसे कभी भी मन बहुत विचारों से भरा हो ना, एक ही छोट मिन में लेके आओ। देखो या तो मन को विचारों से खाली करने के लिए 2-4 बातें बता दो, बिल्कुल डैम सिंपल चीजें जो आप हर वक्त कभी भी कर सकते हो। सबसे पहले ना ज्ञान मुद्रा, मन के फालतू विचारों को समाप्त करने के लिए ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और उंगली को आपस में मिला के जब भी टाइम मिले ना इसको मिला लो, एक हाथ लेफ्ट पे मिला लो राइट पे मिला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मेरी बात को सुन रहे हो, इसको मिला के रखो। ये ऐसे ही नहीं लोग बैठे हैं ध्यान में ऐसे करके, अब ध्यान में नहीं भी बैठे ना ऐसे ही लगा लो। ये मुद्रा ऐसी है जो 24/7 लगाई जा सकती है। हो सके तो यहाँ पे टेप बांध लो, कुछ और ही हो जाएगा थोड़े दिनों में देखना। थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है लेकिन इसके ऊपर कुछ बांध लो फिर देखो क्या होता है। बड़ा कमाल का है, ये वायु को रिप्रेजेंट करता है और ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों को मिलाया तो चित्त की चंचलता शांत हो जाती है, एक तरीका। दूसरा खिचड़ी मुद्रा, जीभ को तालू से लगा लो। दूसरी टेक्निक, जीभ को तालू से लगा लिया तब ऊपर अपर पैलेट पर ऊपर की तरफ लगा लिया, ये करके रखो। मन में विचार आने गायब हो जाएंगे, 2 बातों से ही खत्म हो जाएगा मामला। ये 2 बातें जब जब मौका मिले, इससे क्या होगा, एक तो व्यर्थ की बकवास खत्म हो जाएगी, थोड़ा बोलना कम करोगे, एक चुप 1000 सुख, वो तो वैसे ही सुखी हो जाओगे आप। बात समझ में आ रही है? देख तो ये हो गया, अब जीभ को तालू से लगा लिया, अपर पैलेट पे लगाते ये पॉइंट ऐसा है जो सीधे आपके नीचे के चक्रों से कनेक्टेड है। ये पॉइंट ऐसा है, जीभ और जीभ का तालू से लगना, ये यहां भी कनेक्शन है, इसका ऊपर भी कनेक्शन है। जब हम जैसे बीज मंत्र बोलते हैं लम लम, वास्तव में बीज मंत्र रूप चक्र को इफेक्ट करता है। लम बोलो, लम लम बोलते तो ऊपर लगता है ना अपर पैलेट पे, वहीं लगाना है इसको, रूट को इफेक्ट करता है और क्राउन को भी कनेक्ट करता है। बड़े मजे की बात है ये, ऊपर भी चक्र हैं, अंदर मुंह के अंदर भी चक्र है। परमात्मा ने 1000 साधन बना रखे हैं मुक्ति के, तो एक बार देख तो सही, रास्ते ना खोल दू तो बता देना, ये भी तरीका है। तो ये अलग अलग तरीके, अलग अलग साधन बना दिए, तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अच्छा कभी विचार बहुत ज्यादा आए, पहली बात तो आएंगे नहीं। ये 2 टेक्निक ऐसी हैं, अगर आपने लगातार थोड़े दिन भी कर ली ना, जितना टाइम भी लगाओ वैसे विचार गायब हो जाएंगे। तीसरी बात, चलो अभी विचार मुझे, मान लो कोई ऐसी घटना हो गई जिससे मुझे बहुत विचार आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, एक लंबी गहरी श्वास ली और श्वास को पेट में रोक लिया कुछ देर के लिए। लेट मी सी, होल्ड इट, श्वास को अंदर भरा, छाती में भरा, रोक लिया, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकंड्स, कितना 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, कुछ देर के लिए श्वास को होल्ड कर लो, थोड़ी सी आदत डाल लो, थोड़ी सी आदत डाल, देखो पाओगे थोड़ी, जैसे जब तक आप श्वास को होल्ड करके विचार तो नहीं भाग सकते, उस समय तो नहीं भाग सकते, इनकी औकात नहीं है, विचार गायब, थोड़ी सी दौड़ो, प्रैक्टिस कर लेना, ऐसी ऐसे 10-12 बार कर लेना श्वास को होल्ड करना, श्वास को बिल्कुल एकदम थॉटलेस हो जाओगे। और बेली ब्रीदिंग की आदत ही डाल लो तो कमाल ही हो जाए, एक तो पेट स्वस्थ रहे, डर से मुक्ति मिले, मन की भागदौड़ से मुक्ति मिले, एंग्जाइटी समाप्त हो जाए। ये आपको इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, सारे अजमाए हुए तरीके हैं, फाइनल चीज बता रहा हूँ एकदम। तो वो तरीका है पेट से श्वास लेना, कपाल भाती, कपाल भाती नहीं मतलब जिसको इसको हम बोलेंगे सिंपल प्राणायाम, या कुंभक कह सकते हो आप इसको, पेट में भरना, होल्ड करना। होल्ड ना भी करना हो तो श्वास लंबी और गहरी लेना, अगर होल्ड ना भी करो तो लंबी गहरी श्वास लेना कि श्वास अंदर तक जाए, पेट तक जाए। सिंपल तरीका है, मन शांत होता चला जाएगा। अच्छा इसमें भी कोई कारण से ना बात समझ में आए, कभी बहुत विचार हो तो थोड़ी देर के लिए फास्ट ब्रीदिंग कर लेना, कैथारसिस जो मैं करवाता हूं बार बार, थोड़ी देर के श्वास को बाहर फेंको, थोड़ी देर मन खाली हो जाएगा, फिर श्वास को थोड़ी सी जोर के लिए अंदर के ले लिया तो भस्त्रिका कर लिया, थोड़ी सी इनहेल कर लिया, वैसे शांत हो गया मन, अनुलोम विलोम थोड़ा कर लिया तो शांत हो गया,
तरीके हैं अलग अलग तरीकों से, कोई तरीका समझ में आ जाए, राइट, मन शांत है। ये सारी बातें किस में आ गई, ये आ गई ध्यान योग में। इसी को पतंजलि अलग अलग यम नियम प्रत्याहार और ये साधनाएं ऐसे ऐसे करते 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 फिर आगे की बात करते हैं, ध्यान धारणा समाधि ऊपर की बात करते हैं, राइट, धारणा ध्यान समाधि ऐसे धीरे धीरे ऊपर कंटेम्पलेशन से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो वो भी रास्ता है, बुरा नहीं है, आपको सारे रास्ते खोल के बता रहा हूँ, कहीं से एंट्री मार जाओ बस जो आपको ठीक लगे। अब बाकी लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो भक्त प्रवृत्ति के हैं, हमें तो और चीजें समझ में नहीं आती, हमें कोई और रास्ता बताओ। ये तो बिल्कुल नेचुरल बातें हैं, और रास्ते से पहुंच सकते हैं, उनके लिए ये कि यहाँ अपने इस जगह पर अपने गुरु का ध्यान करें। जो और रास्ता ढूंढते हैं उनके लिए ये रास्ता है, उनके लिए ना श्वासों के जरिए अजपा जाप करो और अपने इष्ट गुरु का नाम श्वासों के साथ बसाओ और यहाँ ध्यान लगाओ। कुछ भी एक पकड़ लो इनमें से, कुछ भी एक पकड़ लो, नहीं तो सीक्वेंस में पकड़ लो, धीरे धीरे शांति आपको पता लगने लगेगी, आनंद आने लगेगा, ठहराव आने लगेगा, राइट। तो ये अलग अलग तरीके, कोई भी तरीका लगाओ। अब परमात्मा के अंदर रुचि पैदा करें, प्यार पैदा करें, उसके लिए मेरे गुरुदेव ने 5 साधन बता दिए। कोई तरीका समझ में आता वो लगा लो, जो आपको समझ में आए वो लगा लो, राइट। तो गुरुदेव ने अलग अलग साधन बताए, गुरुदेव ने कहा अगर ये समझ नहीं आता तो वो नहीं आता तो वो, तो किसी तरीके से नियम, अपने नियमों में अपना मन लगाओ। गुरुदेव ने 5 साधन बताए और उनके ऊपर बात करी। 5 नियम मेरे गुरुदेव ने सदा से बताए हैं, मैं जिसके पीछे हमेशा कहता रहता हूं। तो गुरु दरबार ने 5 नियम बताए, ये 5 नियम की हैं, कुंजी हैं, चाबी हैं, कभी मन में भाव आए। इन 5 नियमों को बड़े विस्तार से इस पुस्तक में एक्सप्लेन किया है, गुरुदेव की कृपा से बुक लिखी गई है। तो ये 5 नियमों के अंदर सारी एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा बताया। 5 नियम गुरु दरबार ने क्या बताया, गुरुदेव ने कहा आरती करो, भक्ति, अब भक्ति में उतर रहे हैं हम, कि हमने भक्ति को अपना लिया तो आरती करो, प्रेम योग हो गया, आरती प्यार से करो, रो कर करो, आंखों में आंसू आए, भाव आए, सेवा करो, संसार की सेवा करो, कर्म करो, कर्म योग, जो भी काम कर रहे हो उसको योग बना दो। योग मतलब परमात्मा से जुड़ने की टेक्निक, परमात्मा से जुड़ने की टेक्निक, तो सेवा करो, कर्म योग बना दिया उसको, ठीक है। तीसरी चीज सत्संग, ज्ञान योग, जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हो, सुनते सुनते अंदर कुछ जागृति आ रही है, आ रही है, कुछ तो आ रही है, थोड़ी नहीं तो ज्यादा, ज्यादा नहीं तो थोड़ी, कुछ तो हो रहा है, ज्ञान योग हो गया। फिर कहा इसे और आगे बढ़ना, ध्यान करना, ध्यान योग पकड़ लेना, ध्यान योग पकड़ने, अब श्वासों के साथ सिमरण अभी करवा देते हैं आपको। और लास्ट जो चीज गुरुदेव ने कही बात, वो है दर्शन या ध्यान, समर्पण हो जाना, गुरु के प्रति समर्पित हो जाना, प्यार करना, डिफरेंस खत्म करना अपने और गुरु में, एक दिन गुरु तत्व में स्थापित हो जाओगे आप। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरण और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण, गारंटी के साथ बोल रहे हैं कल्याण होगा। कुछ भी समझ में आया तो ये इनमें से कोई साधन पकड़ लो। इसलिए अलग अलग रास्ते बताए क्योंकि लोग अलग अलग टाइप के हैं, साम दाम दंड भेद जो मर्जी लगाओ मुक्ति दो, कुछ भी लगाओ होनी चाहिए ना मुक्ति। अब की बार भव सागर से पार, मोदी सरकार नहीं बोल रहा हूं, डरना मत, मुझे किसी भी सरकार से लेना देना नहीं है, राइट, वो आपका पॉलिटिकल कुछ भी आपका वो हो सकता है, लेकिन भव सागर से पार आत्मा का कल्याण जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए अब की बार भव सागर से पार। तो फाइनल ये जो मौका है, ये गोल्डन चांस ह्यूमन बर्थ के रूप में मिला, इसको गंवा नहीं देना, इसको गंवा नहीं देना, हर तरीके से प्रयास करना है कि आपको परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी बन पाए। आइए थोड़ी कनेक्टिविटी बना ही लेते हैं, अब इसमें इसमें इतना टिकने की जरूरत क्या है। लेट्स जी मलिक, इस गाइडेड मेडिटेशन में 4 हम स्पीड से करेंगे, श्वास की गति बढ़ानी है, इसमें 4 स्टेप करते हैं। शिवो पर इनहेल, हम पर एक्सहेल, शिवो हम, 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 जो नए आए जरा वीडियो को लाइक कर दें भाई, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, चलो करो मीडियम, शिवो हम, 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 शिवो हम,
शिवोहम 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 शिवोहम। आप सहस्रार पे लगाइए या थर्ड आई पे लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। मैं अगर यहाँ लगाना चाहें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि जब आप श्वास ले रहे हैं तो ऊर्जा का एक भंडार नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ ध्यान लगाइए इस जगह पर, इसको फील करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कर लें, थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लें हल्का सा, जो थोड़ा पोला पोला सा एरिया, सॉफ्ट सॉफ्ट एरिया है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर एक हल्का सा दबा हुआ होगा चोटी से थोड़ा आगे, राइट, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दबा के प्रेस करके देख लें, बहुत फील होगा वहां पर, मतलब प्रेशर प्रेशर डालोगे तो फील होगा इसे अच्छे से। आप टैपिंग कर सकते हो थोड़ी सी ऐसे, ताकि फील हो जाए तरीके से, पता चल जाए। तो वहां ध्यान लगाना है, इसके लिए जीभ को तालू से लगा लोगे ना तो अंदर से ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, तो सहस्रार पर ध्यान इजीली लग जाएगा। और जीभ को तालू से लगा लो, अब ध्यान ऊपर, आंखों को शांभवी मुद्रा में थोड़ा ऊपर चढ़ा लो ऐसे, और ध्यान को यहाँ चाहो तो यहाँ लगा लो, और या पीछे लगा सकते हो तो यहाँ लगा लो। अभी देखो ध्यान कैसे नहीं लगता, तो प्यार से ऐसे है। तो पहले थोड़ी देर के लिए शिवोम की चैंटिंग करो, ध्यान ही लगा कर रखो ऊपर ही, शांभवी मुद्रा करते हुए भी शिवोम किया जा सकता है। तो ऐसे ध्यान लगाएंगे, ऊपर की तरफ देखते रहेंगे और करते जाएंगे। लेट्स डू दैट। शिवोहम शिवोहम फास्ट, शिवोहम 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 रैपिड शिवोहम 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 शिवोहम। अब प्यार से चैंटिंग करेंगे, लंबा और गहरे से लंबा, नीचे से ऊपर खींचेंगे। अब मन शांत हो चुका है, देखो बिल्कुल खाली हो चुका है मन, राइट। अब ध्यान से लंबा और गहरा, अब यहाँ ध्यान लेके जाएं, या तो यहाँ लगाएं, या जब बेल बजती है ना ये बेल, तो यहाँ ध्यान लगाएं, सिर की चोटी पर टिंग, तो यहाँ बजेगी शिवो। यहाँ ध्यान लगाएं चोटी पर और बेल सुने, राइट। अब यहाँ आवाज आती है, अब इसको ध्यान को नीचे आने दें। हम बड़े प्यार से अभी फील हो जाएगा, देखो शिवो उतरने दें ऐसे ही। ये साधन सिंपल बता दिया है, उतरने दें ध्यान को नीचे से ऊपर जाने दें, केवल ध्यान ही नीचे से ऊपर ना जाए, बल्कि हमारी जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही है, ये जीवन ऊर्जा अपने स्रोत की तरफ जा रही है।
फील करें इसको, मेरी समस्त वासनाएं समस्त इच्छाएं डिसॉल्व हो रही हैं परमात्मा में, यहां से हट रही हैं वहां जा रही हैं। समझ में आ रहा है? यही कर रहे हैं मेरे गुरुदेव फरमाते, तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु के शब्द अशर से, तो सूरा तो पूरा बल में वह बरते। तले की वस्तु ध्यान जो नीचे अटका हुआ है आम लोगों का, वासनाओं में इच्छाओं में अटके, वहां से उसे खींचो और श्वास श्वास में लगाओ, जबरदस्ती नहीं, प्यार से खींचा और यहां लगा दिया। थोड़े ही दिनों में जीभ के स्वाद से मुक्ति ना मिल जाए तो कह देना, गारंटी से लिख के दे सकता हूं, ना तो जीभ के स्वादों में कोई अटकाव रह जाएगा, ना ही लोअर वासनाओं में कोई स्वाद रह जाएगा, ना ही कोई व्यर्थ की बातों में जो ध्यान अटक जाता था इधर उधर, सब खत्म हो जाएगा। ये अजपा जाप है, मुक्ति का द्वार बताया है मेरे गुरु महाराज जी ने, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पूरे तरीके से बड़े ध्यान से, राइट। एक बार तुम्हें पुनः बता दूं, याद दिला दूं उनकी बात को जो गुरुदेव फरमाते हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सुमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करूं, एक दिन मिल सी जाए, एक दिन मिल जाएगा अपने भीतर, अभी अनुभव करना। अभी सुमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, मेरे प्रभु ने बता दिया रास्ता। सुमरण से मन लाइए जैसे पानी मीन, मीन मछली का जीवन है पानी, प्राण तजे बिन बिछड़े संत कबीर कह दीन। बड़ा सिंपल तरीका है। फिर रास्ता, जब जागे तब नाम जप, सोवत नाम संभार। ये नाम है, कोई भी नाम पकड़ लो, शिवो हम पकड़ लो, मेरे हिसाब से अगर अच्छा है, सुंदर है नाम। उठत बैठत आत्मा चालत नाम चितार। अब मन व्यर्थ नहीं सोचता, उसका ध्यान अंदर ही लगा पड़ा है, चलते फिरते जीव तालू से लगे पड़ी है, हाथों से ज्ञान मुद्रा अगर बन सके तो ठीक, ना बने तो कोई बात नहीं, जीव तालू से लगी रहे और इस श्वासों में सिमरण चलता रहे। सुमरण ऐसे कीजिए खरे निशाने चोट, सुमरण ऐसो कीजिए हाले जीव ना होठ, न जीव हिलेगी ना होठ हिलेंगे, बस चलेगा सहज सहज चलेगा। ये अजपा जाप है, ये कमाल है, मेरे गुरुदेव ने कहा महान महानतम तरीका एक है ये, तो याद रखना इसको, गहरे उतर जाना सिमरण। आइए उतरते हैं जरा प्यार से, डुबकी लगा लेते हैं अच्छे से, दो मिनट और थ्योरी सुन ली, अब प्रैक्टिकल में भी थोड़ा एक डुबकी मारी डालें, चला एक बार फिर वो नीचे से शुरू करें वैसे ही। हम प्यार से लंबा गहरा शिवो
शिवो हम फरमाते हैं इसी सिमरण को दिल में बसा लेना, सिमरण से मन लाइए। जैसे अभी हमने सुना मीन पानी के साथ प्रीत लगाती है, बस ऐसे ही प्यार का रिश्ता बना लेना और परमात्मा से दिल से प्रार्थना भी करना, हे प्रभु आपका ये प्यारा नाम हृदय में बस जाए। प्यार से मांगना भी सही, करना भी सही, और फिर प्रार्थना भी करना, आपका प्यारा नाम हृदय में बस जाए। हर श्वास में सिमरण हो, ये हम मांग रखते हैं। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन, ऐसे ही कि वो भगवान के आगे मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो, मुक्ति मुक्ति हम मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो। शिव हम कहें तो माथे के मध्य में अपने इष्ट गुरु भगवान का ध्यान भी करें। तो दो तरीकों से मन बंध जाता है, दो तरीकों से मन बंध जाता है। एक जाप करता है श्वासों के द्वारा, दूसरा अपने गुरु का ध्यान करता है। जगत में दो तारण को नीका नौका तरीके, एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजे नाव धनी का, परमात्मा का नाम अंतर में नाम और ध्यान अपनी आंखों में। तो गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट गुरु भगवान का ध्यान हृदय में बसाएं और साथ में जाप करें। फिर देखो मन बंध गया, दो रस्सियों से बंधा हुआ मन कुछ और नहीं सोच सकता, फिर अब वो टिक गया, धीरे धीरे टिका हुआ, ऐसा ठहराव आएगा, ऐसा ठहराव आएगा, फिर इसको प्रभु के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं।
कुछ मांग ही नहीं रहेगी, एक ही मांग होगी दिल में परमात्मा के प्रति, बस तुम, ये आपका प्यार, ये आपकी, ऐसे मेरे भाव बने रहे, मेरे हृदय के भाव बने रहे कि हम परमात्मा के, कि मेरे हृदय में आप विराजमान रहे और आपकी कृपा मेरे हृदय में मेरे ऊपर सदा बनी रहे, ऐसे हमारे भाव बने रहे। राइट, चलिए अभी समय हो चुका है, धीरे धीरे सत्र को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी ने इतना सहयोग दिया। जो लोग